कुछ दिन से मैं रेडिट को ज्यादा यूज करने लग गया हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे मुझे कंटेंट मिलता है। तो आज भी मैं ऐसे ही रेडिट को स्क्रॉल कर रहा था, तब मुझे एंडगेम के एक सीन को लेकर एक थ्योरी मिला। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बताना थ्योरी कैसा लगा। बेसिकली एंडगेम में जब आयरन मैन स्नैप करके मरने वाले हालात में होता है, तब रॉड ही वो पहला शख्स था जो उसके पास आके उसके सर पे हाथ रखता है। भले ही एक नॉर्मल सीन लगे, बट हमें बाद में पता चलता है कि वो असली रॉड ही नहीं था बल्कि एक स्क्रल था। जिनको नहीं पता स्क्रल क्या है, वो जाके पहले मार्वल का सीक्रेट इन्वेजन सीरीज देखो। वैसे ये सीरीज देखने लायक तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि स्क्रल्स किसी के भी सर पे हाथ रख के उसके मेमोरी को स्कैन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि एंडगेम के सीन के दौरान ये स्क्रल रॉडी भी यही कर रहा था। वो आयरन मैन के मेमोरी को स्कैन करके उसके सभी टेक्स्ट का एक्सेस ले रहा था, जिसको बाद में वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के पास सेल कर देता है। मार्वल का अपकमिंग प्रोजेक्ट आर्मर वॉर्स में हमें यही स्टोरी देखने को मिलेगा, जहां आयरन मैन के टेक का एक्सेस दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के पास चला जाएगा। फिर क्या होगा ये हमें उस मूवी में देखने को मिलेगा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, एंड सब्सक्राइब भी कर लो।